हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सरकारी न्यूज रूप चैनल पर। तो भाई बहनों, आप सभी के लिए हरियाणा की दिन भर की 25 फटाफट खबरें लेकर आ गए हैं। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। हरियाणा की ताजा खबरें, हरियाणा के मुख्य समाचार के वीडियो में। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और तो दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरी शिकायत है, वीडियो तो आप सभी लोग देख लेते हैं, वीडियो पर ना ही लाइक करते हैं ना ही वीडियो को शेयर करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। और दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो दोस्तों, अगर आप हरियाणा के कोई भी जिले से देख रहे हैं तो वीडियो पर एक कमेंट जरूर करें आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर से। जी हाँ, सबसे पहले जान लेते हैं आज हरियाणा का कोरोना अपडेट। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में हरियाणा में रिकॉर्ड 2526 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा 93,641 पर पहुंच गया है। वहीं आपको बता दें, राहत की बात यह है कि हरियाणा में रिकॉर्ड 1874 कोरोना को मात देकर घर भी लौटे हैं। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा भी 72,587 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हरियाणा में 19 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी हरियाणा में 975 पर पहुंच गया है। आपको बता दें, हरियाणा में एक्टिव केसेस की बात करें 20,079 है। जी हां, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सीएम आज पहुंचेंगे चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोरोना से ठीक होने के बाद गुड़गांव में रह रहे थे। आपको बता दें, आज चंडीगढ़ जाएंगे। जी हां, आपको बता दें, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर सोमवार को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर पहुंच रहे हैं। कोरोना होने के बाद से वे गुड़गांव के मेदंता अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि सीएम मनोहर लाल को 10 सितंबर को रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद छुट्टी मिल गई थी। एहतियात के तौर पर सीएम गुड़गांव में ही रह रहे थे। आपको बता दें, वे अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, इसलिए दोबारा चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। सीएम के चंडीगढ़ आने से विभागीय बैठकों का दौर बंद पड़ा था, फिर आज से शुरू हो जाएगा। जी हां, आपको बता दें, बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस वक्त की, भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने मुआवजे की मांग को लेकर दिया है धरना। जी हां, आपको बता दें, बहल से बड़ी खबर है, कपास की फसल बर्बाद होने पर स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में उप तहसील कार्यालय के सामने धरना दिया और सफेद मक्खी मकड़ी व झुलसा रोग के कारण बर्बाद हुई कपास, ग्वार, मूंग व मोड फसल की स्पेशल गिरदावरी करवाकर बीमा क्लेम दिलवाने की मांग की गई है। किसानों की मांग व समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार कार्यालय में सौंपा गया है। जी हां, आपको बता दें, इस वक्त की गली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रदेश के 4281 को एजुकेशन वाले स्कूलों में महिला शिक्षक नहीं, बाल संरक्षण आयोग ने की है ट्रांसफर नीति में बदलाव की सिफारिश। जी हां, आपको बता रहे, बड़ी खबर है निकल के आ रही है, राज्य के को एजुकेशन वाले स्कूलों में महिला शिक्षक न होने से छात्राओं को परेशानियां आ रही हैं। हिसार जिले के एक स्कूल में छात्रा के साथ पिछले साल हुई छेड़छाड़ के बाद राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से शिक्षा विभाग से स्कूलों में महिला शिक्षकों को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। इसमें खुलासा हुआ है कि राज्य के को एजुकेशन वाले 4281 स्कूलों में एक भी महिला शिक्षक नहीं है। इनमें से करीब 3700 मिडिल और प्राइमरी स्कूल शामिल हैं। जी हां, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, किसानों पर लाठीचार्ज का मामला, सत्ता पक्ष भी एक सुर नहीं, विपक्ष हमलावर, डिप्टी सीएम ने की जांच की मांग। अनिल विज कह चुके हैं, बिना लाठीचार्ज हुए जांच कैसी। जी हां, आपको बता दें, बड़ी खबर है, पिपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियां जहां सरकार पर हमलावर हैं, वहीं सत्ता पक्ष के नेता व मंत्रियों के बयानों में भी मतभेद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, भाजपा के कुछ नेता घटना की निंदा कर रहे हैं और तो कुछ बचाव में हैं। मामले को निपटाने के लिए 3 सांसदों की गठित कमेटी ने भी किसानों को शांत करने के प्रयास शुरू कर दिया है। वहीं रविवार को पंचकुला में कमेटी ने किसानों से बातचीत भी की थी। जी हां, अगली बड़ी खबर है, आपको बता दें, हरियाणा में 3 माह बाद गीता जयंती एक्सप्रेस ट्रेन 105 यात्रियों के साथ खजुराहो के लिए रवाना हुई। जी हां, बता दें, गीता जयंती एक्सप्रेस धर्मनगरी से 105 यात्रियों के साथ खजुराहो के लिए ट्रैक पर दौड़ी। कोरोना काल के चलते पिछले 3 माह से ट्रेन बंद पड़ी थी। कोरोना महामारी के दौर में लोगों तक रेलवे धीरे धीरे रेल सुविधाएं पहुंचा रही है। आपको बता दें, 12 सितंबर से 1841 एक्सप्रेस स्पेशल खजुराहो से चलकर दोपहर 12:40 पर कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। जी हां, आपको बता दें, हरियाणा से बड़ी खबर है, आपको बता दें, जंतर मंतर पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का धरना शुरू, यूपी हरियाणा के किसानों को सीमा पर रोका। किसानों के लिए लाए जा रहे 3 अध्यादेशों का विरोध करने के लिए
दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में किसानों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस प्रदर्शन में योगेंद्र यादव भी मौजूद हैं। जी हाँ, बता दें जींद से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। किसानों ने किया नया ऐलान, 15 सितंबर से हर जिले में शुरू होगा आंदोलन, 20 को होगा रोड जाम। जी हाँ, आपको बता दें कुरुक्षेत्र के पीपली में रैली के दौरान किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले को लेकर जींद जाट धर्मशाला में 19 किसान संगठनों ने मिलकर एक बैठक की है। बैठक में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी प्रमुख रूप से मौजूद रहे हैं। आपको बता दें किसान नेताओं ने फैसला लिया है कि 15 सितंबर से प्रदेश के हर जिले में आंदोलन शुरू होगा और 20 तारीख को 3 घंटे के लिए रोड जाम किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा है कि अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो 27 सितंबर से एक यात्रा शुरू की जाएगी जिसमें भी लोगों को आंदोलन में जोड़ने का काम किया जाएगा और फिर बड़ा निर्णय लिया जाएगा। गुरनाम सिंह ने दूसरे संगठनों पर सरकार से मिले हुए होने का आरोप लगाया है। आपको बता दें भाजपा राज्यसभा सांसद बोले, सादी वर्दी में हेलमेट पहनकर शरारती तत्वों ने किसानों पर किया है लाठीचार्ज। जी हां, आपको बता दें बहादुरगढ़ से बड़ी खबर है, केंद्र के कृषि से जुड़े 3 अध्यादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर सियासत गर्मा गई है, जहां कांग्रेस सहित अन्य दल प्रदेश सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। नहीं, प्रदेश सरकार भी इस पर मरहम लगाने का काम कर रही है। इसी बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा है कि षड्यंत्रकारों ने सरकार को बदनाम करने के लिए किसानों पर लाठी चार्ज किया है। जी हां, अगली बड़ी खबर है आपको बता दें चंडीगढ़ से आ रही है। हरियाणा आईएएस अशोक हेमका का एक और ट्वीट, भारतीयों को 2000 करोड़ कमीशन पर सवाल। अक्सर चर्चाओं में रहने वाले हरियाणा के सीनियर आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने एक बार फिर अपने ट्वीट से हलचल पैदा कर दी है और सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इस बार खेमका ने हरियाणा सरकार द्वारा हर साल आरतियों को दिए जाने वाले कमीशन को मुद्दा उठाया है। खेमका ने परोक्ष रूप से इसे सिस्टम की खामी बताते हुए सीधी अदायगी को किसानों के हित में करार दिया है। खेमका के इस ट्वीट से किसानों के खाते में सीधे पेमेंट की मांग को बल मिला है, जबकि आरतियों के माध्यम से की जाने वाली खरीद व भुगतान का विरोध झलक रहा है। तो जी हां, आप सभी के लिए हरियाणा की दिन भर की 25 फटाफट खबरें कैसी लगी। अगर खबरें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।